जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। फिर से स्वागत है एक नया फ्रेश वीडियो में। आई होप यू आर ऑल वेल एंड आई एम वेरी फाइन टू। दोस्तों आज इस वीडियो को माध्यम से मैं जींस पैंट का कुछ ऑल्टर आने का रीजन बताऊंगा। एक्चुअल में ये वीडियो जिन लोग जींस का मैन्युफैक्चर करता है या कारीगर है उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो वीडियो बनने जा रहा है वो कुछ ऑल्टर के बारे में है। जैसा कि जींस पैंट बनता है उसके बाद कलर का प्रोसेस होता है, तो बहुत सारे पीस ऑल्टर होके आता है। जैसा कुछ मतलब जो पैंट का जो पार्ट है जो सिलाई खुल जाता है या किधर फट जाता है, बहुत सारा ऐसा रीजन के वजह से पीस ऑल्टर हो जाता है। तो ऑल्टर जो है वो बना के देना पड़ता है। तो कभी ऑपरेटर बोलता है ये ऑल्टर मेरा नहीं है, कभी कारीगर बोलता है ये ऑल्टर मेरा नहीं है। तो आज ऑल्टर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेगा और जानेगा ये ऑल्टर किसका है। और एक बैक पॉकेट के नीचे मेरा बहुत सारे पीस में ऐसा सिलाई खुल के आया, तो कारीगर बोलता है मेरा नहीं है, इसका भी रीजन क्या है वो ढूंढेगा आज इस वीडियो के माध्यम से और आप लोगों का साथ शेयर करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहला जो मेरा चैनल पे पहला बार आया और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुका है उसके लिए थैंक यू सो मच। है गाइस, वेलकम बैक टू द एफएम फैशन, और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमर फारूक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एफएम फैशन एटीसी नॉलेज। तो चले दोस्तों, ज्यादा देर ना करें, इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी बारिश का टाइम है प्लस गणपति का टाइम है, अभी आएगा नवरात्रि का टाइम, फिर आएगा दिवाली, तो काम दबा के है। मेरा पास करीब 50 पीस खान अल्टर आया है, जो 1500 पीस में से 50-60 पीस अल्टर आया। और ये अल्टर क्यों आता है, कौन सा जगह पे, किस रीजन के वजह से ये अल्टर आता है, आज इस वीडियो को माध्यम से मैं शेयर करूँगा। ये जो पीस है, ये पीस का जो पैकिंग का मुँह है ये वॉशिंग पे जाके खुल गया है। तो ये अक्सर क्या होता है, जो पैकिंग वाला है वो पैकिंग वाला इधर जो चेन सिलाई होता है, चेन सिलाई का एकदम ऊपर से सिलाई लेना है और अच्छे से पैक करके दोनों बाजू इसका रिवर्स मारेगा। ये तो समझ में आता है ये पैकिंग कारीगर का मिस्टेक है। और दूसरा जो पीस है इधर से सिलाई खुल गया है ये पॉकेट के नीचे। ये बहुत सारे पीस में ऐसा हुआ है और ये कारीगर बोल रहा है मेरा मिस्टेक नहीं है। तो ये भाई किसका मिस्टेक है और इसके लिए बार बार डिस्कस होता है, भाई ये मिस्टेक किसका है। अभी ये देखो, ये सिलाई खुल गया, ठीक है। तो अभी जैसा कि ये एक पीस है, इसका लूप भी खुल गया। तो लूप भी क्या होता है, नीचे का बॉबिन का धागा नहीं रहता है, तो कभी कभार ऐसा लूप भी ठोका मार देता है। नीचे का बॉबिन धागा नहीं रहता है तो ये ऐसा चिपका हुआ रहता है, ऐसा लगता है भाई ये बार बार सिलाई लगा है। लेकिन वॉश में जाके जैसा ही पीस घूमता है तो ये खुल जाता है। तो ये तो आसानी से बन जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। मैं खाली आप लोगों को समझाने का ये कारीगर ध्यान देगा तो ये सब अल्टर नहीं आएगा। तो दोस्तों ये जो अल्टर है, मैं आज का मेन मुद्दा है ये इस वीडियो का। दोस्तों ये कारीगर का मिस्टेक नहीं है, ये जो पॉकेट के नीचे सिलाई खुल गया ये देखो काफ़ी सारे पीस में खुल गया, ये कारीगर का मिस्टेक नहीं है। तो किसका मिस्टेक है, जैसा ये बॉटम खुल गया इधर, इधर का जो सिलाई है इतना सिलाई गायब हो गया, ये कैसा होता है। तो ये क्या होता है, जब इस पीस में वॉशिंग होता है यानी कलर का प्रोसेस, ये ऑलरेडी मिल डाइट कपड़ा है तो इसका ऊपर इधर व्हाइटनेस दिख रहा है आपको, इधर भी व्हाइट दिख रहा है, इसमें भी व्हाइट दिख रहा है। तो ये पीपी केमिकल से स्प्रे मारा जाता है और इसके ऊपर ज़्यादा निखार बनाने के लिए, इस जो स्प्रे को ज़्यादा निखार बनाने के लिए इसके ऊपर एक पॉलिश पेपर आता है, जैसा कि उस पॉलिश पेपर से ऐसा इसको घिसा जाता है। तो जैसा इसका नियम है यहाँ से घिसना, ठीक है। लेकिन ये डिजाइन थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए पॉकेट का ऊपर से घिसा है। तो ये जो धागा है, ये धागा उस पॉलिश पेपर में घिस के इसको टूट गया है। दोस्तों जो नया होता है ना, उन कारीगर से ये मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि वो देखा है भाई ऐसा घिसने में ये काम होता है, लेकिन उसको ओरिजिनली मालूम नहीं होता है वो सब कारीगर का, भाई इसका ऊपर पॉलिश पेपर चलाने में ये धागा जो है ना ये सिल जाता है। सिल जाने के बाद ये वॉशिंग पे फिर जाता है, इस माल डाइंग पे सिलिकॉन से इसको धुलाई होता है, तो ये धागा ये धुल जाता है पूरा, यानी कि ये ऑलरेडी सिला हुआ रहता है पॉलिश पेपर से। तो ये वॉश वाला का मिस्टेक है, ये कोई कारीगर का मिस्टेक नहीं, ये जो मिस्टेक है
तो यही इस वीडियो में मेन टॉपिक था वो माइनर भाई। प्रॉब्लम एक है। वो प्रॉब्लम क्यों आता है, तो मैंने जो मेरा जानकारी था वो मैंने बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, तो लाइक कर दीजिए। ऐसा ही जींस पैंट के बारे में छोटा छोटा नॉलेज पाने के लिए। जैसा कि ये एक पीस है जिसका बॉटम में इधर कुछ भी सिलाई खोल के देखो, स्प्रे हुआ है, और स्प्रे में जैसा ही इसका ऊपर पॉलिश पेपर घिसा है, तो उधर का जो धागा है वो छिल गया। और छिलने का बाद जैसा ही थोड़ा थोड़ा था, तो वॉशिंग में, जैसा कि वॉशिंग में प्रोसेस होने गया, तो उस उधर का जो धागा निकल है गया। अभी इसको अल्टर बनाना पड़ेगा, कारीगर से सिलाई लगाना पड़ेगा। जैसा आपका सामने ये भी एक एक पीस है, ये वॉशिंग में जाके बेल्ट पूरा खुल गया, इसको फिर से सिलाई लगाना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, बेल्ट वाला जब बेल्ट मारता है, बेल्ट लगाता है, काफी सारे पीस तो जो होता ये है, जैसा कि 100 पीस 150 पीस लगातार वो मारते जाता है, और उसका एक लिमिट रहता है, हमको दिन में इतना पीस बेल्ट मारना है। तो इतना ध्यान नहीं दे पाता है भाई, कोई 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 पीस में छूट जाता है, एक टाका छोड़ देता होएगा, कोई मशीन का प्रॉब्लम होएगा या कुछ प्रॉब्लम होएगा, अरे तो तो वो चेन सिलाई चेन अगर सिलाई एक टाका भी खुल गया, तो उधर से अगर किस ऐसा खींचाव पैदा हुआ, किधर अटक गया, तो ये ऐसा आराम से खुल जाता है। इसके लिए ये बेल्ट जो है ना, ये पूरा वॉश के बाद खोल के आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भी है, इधर से बेल्ट खुल के, यानी कि इधर जो नीचे बाजू चेन सिलाई है, चेन सिलाई खुल गया होगा, और वॉशिंग में जाके इसको और ज़्यादा खुल गया है। तो ये सब रिपेयर होएगा, फिर से बनेगा इसको, जिधर जिधर अल्टर है, जिधर जिधर डैमेज हो गया, जितना हो सके फिनिशिंग से बने तो उसको बनाया जाएगा, बाकी डैमेज में डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज्यादा अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपको जींस पैंट के बारे में छोटा छोटा नॉलेज चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेटिंग करके रखिए, जैसा कि मैं नया नया वीडियो अपलोड करे सबसे पहला नोटिफिकेशन तो पहुंच जाए सबसे आपका लास्ट में डिवाइस सभी पे। फ्रेंड्स से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, पानी बचाए और अपना आजू-बाजू साफ सुथरा रखे। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखना और अपने को बहुत ज्यादा ख्याल रखना।